तो भाइयों, क्या हाल है आपका। इस वीडियो में फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं द रोबोट की। हमने रोबोट फिल्म तो जरूर देखी, द कर्स ऑफ रोबोट। उसमें बताया गया है कि एक गुड़िया जो शापित होती है वो कैसे घर को एक परेशान कर देती है घर को। तो हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। तो चैनल वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। नई दिल्ली कीमती कहती है कि रॉबर्ट नाम की गुड़िया पर प्रेत का साया था। इस गुड़िया पर आधारित हॉलीवुड मूवी चक्की बनाई गई है। फिल्म चक्की में एक बेजान गुड़िया कई लोगों की मौत का कारण थी। गुड़िया रोबोट के बारे में लोग कहते हैं कि वह कई दुर्घटना शामिल था। उसने बेजान होते हुए भी कई लोगों को नुकसान पहुंचाया था। लोगों का मानना था कि उसमें कोई बुरी आत्मा वास करती थी। यह गुड़िया रोबोट यूजीन ऑटो रोबोट क्वेंजिनो ऑटो की थी। पेशे से कलाकार ऑटो को यह गुड़िया उनके दादाजी ने भेंट की थी। 1904 में जर्मनी से खरीदी गई इस गुड़िया को स्टीफ कंपनी ने बनाया था। कई लोगों का कहना है कि इस गुड़िया को ऑटो परिवार की एक नौकरानी ने उन्हें भेंट दिया था। कीमती है कि इस गुड़िया पर नौकरानी ने काला जादू वुडो किया था। वुडो यूजीन ने अपनी उस गुड़िया को रोबोट नाम दिया। ऑटो परिवार के यह गुड़िया बेहद पसंद थी। यूजीनी पता नहीं क्या नाम है जी, यूजीनी ने उस गुड़िया को अपने बचपन की एक ड्रेस पहनाई थी। यूजीनी ने उसे सब जगह साथ ले जाया करती थी। डाइनिंग टेबल पर रोबोट गुड़िया के लिए भी कुर्सी लगाई जाती। लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। कहते हैं जिस को ऑटो परिवार ने गुड़िया के बारे में बताया उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई। जब लोग ऑटो परिवार के उन सब मौतों का जिम्मेदार बताने लगे तो उन्होंने सारा इल्ज़ाम गुड़िया पर डाल दिया। कई लोगों का कहना था कि ऑटो परिवार के उन्होंने गुड़िया से अलग अलग आवाज़ों में बात करने सुना। वही कुछ लोग का कहना था कि ऑटो परिवार जुर्म करके उसका दोष गुड़िया पर डाल देता था। कई लोगों का कहना है कि रोबोट के उन्होंने चलते हुए भी देखा था। यूजीन के बड़ा होने के बाद ऑटो परिवार ने यह घर छोड़ दिया और गुड़िया रोबोट को बेसमेंट में रख दिया। आसपास रहे लोगों का कहना था कि उस खाली मकान में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती थी। लोग यह भी कहते हैं कि वह सब जब उस मकान में था वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा रहता था। उस मकान को किसी ने जब खरीदा तो उसके साथ वह गुड़िया भी मिली। मकान के नए मालिक की बेटी का दावा था कि उस पर गुड़िया ने हमला किया और उसे मारने की कोशिश की। 1994 में उस गुड़िया को एक म्यूजियम को दे दिया। म्यूजियम में उसे हॉन्टेड टॉय का नाम दिया गया। लोग भी उसे देखने खूब आते थे। गुड़िया की शक्तियां को परखने के लिए म्यूजियम में आने वाले लोगों ने उसके नाम चिट्ठियां लिखनी शुरू कर दी। कहते हैं जिसने उसे चिट्ठी लिखी उसका कुछ ना कुछ भारी नुकसान हुआ। रोबोट गुड़िया की कहानी कैसी लगी? तो अच्छी लगे तो लाइक करो, ना अच्छी लगे तो भी लाइक कर दे, किसी का क्या जाता है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और घंटी को बजा देना और ऑल पर क्लिक कर देना। तो मिलते हैं अगली पार्टी वीडियो में। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद। तो मिलते हैं भाई लोग, आपसे एक करके विनती है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।
यार वीडियो को लाइक जरूर करना प्लीज।